विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे श्री दिगंबर जैन मंदिर शकरपुर दिल्ली में प्रशम मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा के प्रमुख संत आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में 19 से 25 जून 2022 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र नेमिनाथ स्वर्ण जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियां। भगवान नेमिनाथ का गर्भ कल्याणक मनाने के बाद 22 जून को सूर्योदय होते ही भक्तगण कार्यक्रम परिसर में एकत्रित हुए। ये जन्म कल्याणक का पावन दिन था। सर्वप्रथम अभिषेक एवं शांति धारा की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्य नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ नेम प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। तत्पश्चात विधान एवं जन्म कल्याणक का पूजन प्रारंभ हुआ। हर बार की तरह इस बार भी भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु का गुणगान किया और अर्घ्य समर्पित किए। बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, दोनों से उस चरण जन के मोक्ष दोनों न पाओ। पद मेरी ये मैं मम्मी है तेरी, पुनीत चरणों में तबलो लीन हूं प्रभु, जबलो न पाया मुक्ति पद में ने। अक्षर पद मात्रा से दोषी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो, क्षमा करो। पूजन के दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियाँ छा जाती है। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जयकारों का शोर पूरे वातावरण में सुनाई देने लगता है। जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है। जमुदीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में सौरीपुर नगरी में महाराजा समुद्र विजय के भार्या माता देवा देवी के गर्भ में गर्भ से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही जिस प्रकार सृष्टि में चारों ओर हजारों योजनों तक सुख शांति फैल जाती है, सभी जीव कुछ समय के लिए दुख को छोड़ सुख का अनुभव करने लगते हैं। सभी भक्तों ने तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया और खूब भक्ति नृत्य किया। कहो रुद्राज, क्या संदेश लाए हो? महाराज, अंतपुर से सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। भक्ति करने के बाद पुण्यशाली भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया और उन्हें शास्त्र भेंट किए गए। इस क्रम में आगे कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का मंच से सम्मान संबंधित विविध घटनाओं का सजीव चित्रांकन किया जाता है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, कृपया कर मेरी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है, आइए, आपका स्वागत है। हे देवेंद्र, बातें ही करते रहे होंगे या प्रभु का दर्शन करने के लिए भी चलेंगे? अरे हाँ, परंतु सची अंतपुर में प्रवेश तो केवल आपको ही मिलेगा। धन है नारी पर्याय, धन है माता शिवा देवी जिन्होंने त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया। सची आज तुम्हारे पूर्णोदय के सामने मेरा इन पर कुछ भी नहीं है,
आप आज तीर्थंकर बाल कुमार के दर्शन का प्रथम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जाइए सजी, राजभवन से बालक को लाकर दर्शन कराइए, पर ध्यान रखना माँ, माँ के पास से बालक लाना इतना सहज नहीं है। और फिर यह तो 22वें तीर्थंकर नैमी कुमार हैं, माता सेवा देवी का माया में निद्रा में सुलाकर मायावी बालक रखना मत भूलना। और हाँ सची, जरा जल्दी आना। छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात हम सौरीपुर नगरी में बैठे हुए हैं और माता के महल में साक्षात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। और ये अनुभूति ही हमारे कल्याण में निमित्त बनती है। यहाँ आकर के जो हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, एक एक दृश्यांकन को, एक एक मंचन को इस तरीके से देखना जैसे हम साक्षात कहां बैठे हुए हैं। सासे शक्करपुर भी है और सासे शौरीपुर भी है। अभी कुछ समय के लिए शक्करपुर भूल जाना और क्या समझ लेना कि हम सौरीपुर नगरी में बैठे हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया देखिए, पंच कल्याणक की पूरी प्रक्रिया को वर्णन करना अशक्य है, लेकिन फिर भी हम अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर जितना सीख लें, जितना जान लें, यदि उसी को अपने जीवन में अपना लें तो ये मनुष्य प्रयाय हम सबकी सार्थक हो जाएगी। नहीं तो आए खाए पिए ताली बजाए और वापस लौट गए, इस आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। तभी हो पाएगा जब इस पंच कल्याणक के माध्यम से देखें कि भगवान बालक नेमीनाथ किस प्रकार से धर्म की राह पर चलते चलते एक दिन भगवान नेमीनाथ बन गए, तो बालक नेमीनाथ से भगवान नेमीनाथ की यात्रा को देखने के लिए हम यहाँ पर आए, ताकि हम भी एक दिन वो यात्रा अपनी कर सके, अपना कल्याण कर सके। स्वामी तीर्थंकर प्रभु इतने सुंदर हैं, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा, फिर मैं कैसे दे दूं आपको? मैं नहीं दूंगी। मेरी बात तो सुनो। हे नाथ, यह बात सच है, आप मेरे नाथ हो, लेकिन मेरे हाथ में नाथों के नाथ त्रिलोकी नाथ है। एक बार तो सच्ची बालक मेरे हाथ में, ताकि घड़ी रिंगरी की मनवार के बालक मेरे हाथ में दे। लीजिए, आखिर आप मेरे नाथ हैं, लीजिए लीजिए, अपने नैनों को धन्य कीजिए। इंद्र हजार में बनाते प्रभु को ऐसे निहारे, सबसे प्यारे सबसे अच्छे प्रभु शरीर वाले आज मेरे प्यारे। इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया।
चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुकशिला की तीन प्रदक्षिणा करता है। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक कर सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। भगवत अर्हत प्रतिकृति सुगंध जलेन स्नपयामः भगवत अर्हत प्रतिकृति ओम ह्रीं मणिमयमंगल। पांडुकशिला पर जन्माभिषेक करने के बाद जन्म कल्याण के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गईं। ओम त्रिम त्रिम तेजं करांगुलस्ते व्रतम अमृतम स्थापयामि। संध्या काल की मनोरम बेला में भगवान की मंगलमय महाआरती का आयोजन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य प्रस्तुत करता है। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। जैसे ही ये अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। किस्मत का चमका मेरा आज प्रभु के दर्शन से, प्रभु के दर्शन से मेरे नेमी झूले पाल नानक होले झोटा दीजो, मेरे नेमी झूले पाल नानक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो जरा धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो जरा धीरे झोटा दीजो, मेरे नेमी मेरे नेमी मेरे नेमी झूले पाल नानक होले झोटा दीजो। ना चौगाओ आओ दे दे के ताली, जुमो ना चौगाओ आओ दे दे के ताली, छाई देखो देखो या खुशियां निराली, आए हम पल न झुलाने पल न झुलाने आए, लो दरबार प्रभु के कर लो दीदार प्रभु के, बल्ला ये रत्नों वाला देशम की डोरी वाला, बल्ला झुलाओ मिलके चलो दरबार प्रभु के कर लो दीदार प्रभु के।
कहीं नजर ना लगे ललना हो, कहीं नजर ना लगे ललना हो, मैं तो नैनन में हो, मैं तो नैनन में हो। सुस्वागतम 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 मंगल गाओ आई है शुभ ये घड़ी। पालना झुलाने के बाद बाल क्रीड़ा का भी मंचन हुआ। देखो देखो रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली, हो रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। जोर लगा के दूध पी के लड्डू खा के बर्फी खा के रबड़ी खा के जोर लगा के पनीर खा के रबड़ी खा के बादाम खा के काजू खा के दूध पी के। इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे तब कल्याणक की झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। भोले पाल नानक भोले छोटा दीजो, भोले छोटा दीजो, भोले छोटा दीजो, दीजे छोटा दीजो, भोले छोटा दीजो। भोले पाल छोटा दीजो, भोले छोटा दीजो, भोले छोटा।